हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। चुनावी संक्रांत होने के बाद सभी उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र में हैं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम अब वार्ड नंबर 54 में आ चुकी है, जो कि रोहिणी डी का इलाका है। वार्ड नंबर 54 आज पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र है, क्योंकि इस वार्ड से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट का दावेदार बिंदु ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के टिकट बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के टिकट का सौदा किया जा रहा है और 80 लाख 90 लाख रुपए में टिकट बेचा जा रहा है। लेकिन इस वार्ड में आम आदमी के पास क्या होंगे बड़े मुद्दे, जब मतदान करने के लिए 4 दिसंबर को लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे, तब कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहाँ के आम नागरिक वोट करेंगे? सर, क्या है बड़े मुद्दे इस इलाके में? पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। इलाके के बड़े मुद्दे हैं पार्कों की मेंटेनेंस, हमारे सड़कें टूटी हुई हैं, हमारी सारी सड़कें टूटी हैं, पार्किंग टूटी हुई है। हर साल हर 5 साल में चेंज कर देते अपने काउंसलर, तो हो गया कि उनकी उत्तरदायित्व तो है नहीं, कुछ भी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगली बार फिर 5 साल में, 5 साल बाद दोबारा फिर इलेक्शन होगा, फिर वो एक नया कैंडिडेट ले आएंगे, तो क्या जवाबदेही हुई? ये क्या पूछेंगे प्रीति अग्रवाल से कि तुमने क्या किया? कोई ऑडिटिंग तो या तो है ही नहीं। तो महिलाओं के लिए क्या मुख्य मुद्दे होंगे? महिलाएं किस आधार पे मतदान करने के लिए जाएंगी? ये डॉग है ना, जो काफी हो गए डी ब्लॉक में, तो इनसे परेशान है। एमसीडी पकड़ के नहीं ले गई, कोई समाधान नहीं किया? नहीं, एमसीडी पकड़ के नहीं ले जाते, कई बार फोन भी कर चुके। और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके उसमें खड़े हो जाते हैं कि क्यों एमसीडी को क्यों फोन किया है, वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़ी बात है, एमसीडी की गाड़ी आती है, लोग कुत्तों को अपने घर में घुसा देते हैं, झगड़ा करते हैं, वो भी कुत्तों को भी पता होता है गाड़ी आई होगी, भाग जाती छुप जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जो कानून है वो सारे कुत्ते के फेवर में है, हमारे फेवर में नहीं है। कुत्ता तो काट के चला जाता है, गाय हमारे पीछे भागी जोर से मारने के लिए, वो डंडा देखे हम मारने के लिए पीछे, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। और एक दिन तो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो गिर गए नीचे, पीछे से वो आया, जो मेल होता है मेल का, वो आकर के उसने इतनी जोर से धक्का मारा, नीचे गिर गए, चोट लगी उनको, कोई रोकता नहीं, सारे रास्ते भर भैंस गाय सब फैल रहे। ये क्यों छोड़ते हैं, किस लिए छोड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा पशु बड़ा मुद्दा है इस बार इलेक्शन के लिए, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा होंगे? हमें एक नई और अच्छी सरकार चाहिए जो हमारा भला चाहती है, एक ईमानदार सरकार चाहिए हमें। हम तो यही चाहते हैं कि अब थोड़ी एक बार नई गवर्नमेंट को एमसीडी में ला के देखते हैं, क्या पता वो बहुत अच्छा करें। तो सर आपके, सर आपके लिए क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा है कि यहाँ 7 साल से पेड़ों की छटाई नहीं हुई, आवारा कुत्ते इतने हैं कि यहाँ एक महीने में 50-60 आदमियों को काट लेते हैं, और रोडों का बुरा हाल है, जो कि 15 साल से यहाँ रोड नहीं, 12 साल से रोड ही नहीं बने हैं यहाँ बिल्कुल। There are so many stray dogs on the streets. We cannot drive our cycles, and we cannot even ride our cars here on the streets because there are so many dogs. And even some people जो होते हैं वो स्कूटर चला रहे होते हैं ऐसी इतनी तेज बहुत गलत चला रहे होते हैं, इससे हमारी सेफ्टी को बहुत इश्यू होता है। और जब रात हो जाती है तब कई बार बल्ब नहीं चल रहे होते, तो उसकी उससे वुमेन सेफ्टी और वैसे भी सेफ्टी को उससे बहुत सेफ्टी को मैटर करता है। वार्ड नंबर 54 यानी रोहिणी के सेक्टर 15, सेक्टर 18, सेक्टर 19 के अलावा सूरजपाल और राजा विहार जैसे इलाके शामिल है। इस इलाके में तकरीबन 65,000 मतदाता अपने इलाके के जनप्रतिनिधि का फैसला 4 दिसंबर को करेंगे। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने स्मिता कौशिक को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुप्रिया टक्कर दे रही है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।